तो हे गाइस, कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। तो गाइस यार, आज हम आए थे स्क्रैप यार्ड जो कि हमारे दोस्त का है। अरे फ्रैंकलिन भाई, ये आधा स्क्रैप यार्ड तो आपका ही है। और हाँ गाइस, हमने यहाँ से खरीदी है दो गाड़ियाँ जो कि डैमेज है, और आप ये देख सकते हो गाइस, एक है डॉज चैलेंजर और एक है डॉज चार्जर। अरे फ्रैंकलिन भाई, ये तो बहुत रेयर गाड़ियाँ है, लॉस सैंटोस में मिलती नहीं है। अरे इसलिए तुम्हें गाड़ी खरीदने आ गया ना। ओके गाइस, मैंने इनकी पेमेंट कर दी है। अरे भाई, और कुछ चाहिए तो बस फोन कर देना। हाँ क्यों नहीं। तो ओके गाइस, अभी हम चलते हैं सीधा बेनी के गैराज पर इन गाड़ियों को मॉडिफाई करने के लिए। हाँ? और इन गाड़ियों को मॉडिफाई करने के बाद हम अपने शोरूम में इनको लगा देंगे बेचने के लिए। तो अभी हम पहुंचते हैं सीधा बेनी के शॉप पर। तो चलो गाइस, अभी हम पहुंच चुके हैं बेनी के गैराज पर, और अभी हम सीधा हमारे ट्रक को सीधा हम अंदर घुसाने वाले हैं। तो गाइस यार, आपको लग रहा होगा मेरी आवाज़ को क्या हो गया। तो गाइस यार, मैं थोड़ा बीमार हूँ, लेकिन फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना गाइस। चलो गाइस, हमारी गाड़ी तो अंदर आ गई भाई। चलो ओए बेनी भाई, आ जाओ बाहर, बाहर मतलब आ जाओ, देखो मैंने क्या लाया है भाई। दो तगड़ी गाड़ियाँ, मॉडिफाई करना है इनको तो। अभी फ्रैंकलिन के बच्चे ट्रक को अंदर क्यों घुसा दिया? अरे बेनी भाई, ये तो चेक करो। हाँ तो बेनी भाई, इन दोनों गाड़ियों को कैसे मॉडिफाई करोगे? अरे देख फ्रैंकलिन, एक गाड़ी का इंजन उड़ चुका है और एक गाड़ी की बॉडी अच्छी है, तो अब क्या करें? दोनों में से कोई एक ही गाड़ी मॉडिफाई हो सकती है। अरे यार, मैं शोरूम में क्या बेचूंगा फिर? अरे तो कोई और अच्छी गाड़ी लेकर आओ ना। तो ठीक है फिर, मॉडिफाई करो इसको, मैं आता हूँ अगली बारी। अरे फ्रैंकलिन, तुम सीधा 3 दिन के बाद आना। 3 दिन में हो जाएगा? एकदम तगड़ी गाड़ी चाहिए मेरे को। अरे फ्रैंकलिन, 3 दिन में इतनी तगड़ी गाड़ी बना कर दूंगा ना मैं, लेकिन तू सबसे पहले वो ट्रक हटा ले वहाँ से। अरे हाँ बेनी भाई, चिल करो, हटा रहा हूँ। तो ओके गाइस, हमने तो गाड़ियाँ दे दी है बेनी को, लेकिन गाइस पूरे 3 दिन लगने वाले हैं उस गाड़ी को मॉडिफाई होने के लिए। हा? और हाँ गाइस, हमको ये भी पता नहीं है कि कौन सी गाड़ी को मॉडिफाई करने वाला है, डॉज चैलेंजर या डॉज चार्जर। तो गाइस यार, अभी हम चलते हैं सीधा हमारे शोरूम पर, देखते हैं वहाँ पर क्या हालचाल चालू है। और हाँ गाइस, अभी तक आप वीडियो को देख रहे हो तो गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल वाले आइकन को भी प्रेस कर दो, ताकि मैं जब भी नया वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ आपको पहली नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलो गाइस, काफ़ी देर गाड़ी भगाने के बाद मैं पहुंच चुका हूँ अपने शोरूम के गैराज में। और हाँ गाइस, हमारा गैराज जो है पूरा खाली हो चुका है, बस गिनी चुनी गाड़ियाँ है, वो भी सस्ती सी बची है, जिन गाड़ियों से हमारा कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला है, लेकिन गाइस फिर भी वो शोरूम भराने के लिए रखे है। तो गाइस यार, नई गाड़ियाँ हम इसलिए नहीं खरीद रहे क्योंकि गाइस हमारे पास पैसे नहीं है। हमारे पास जो भी पैसा था, हमने वो गलत जगह इन्वेस्ट कर दिया था, तो इसलिए वो सब पैसा खत्म हो गया। और आप देख सकते हो गाइस, हमारा शोरूम कितना खाली। अबे यार, गाड़ियाँ तो काफी। अबे कौन बोल रहा था हमारा शोरूम खाली है? अरे सर, आप कैसे आ गए? अबे कौन बोल रहा था अपना शोरूम खाली है और ये गाड़ियाँ बिकी क्यों नहीं अभी तक? अरे सर, ये सब रेगुलर गाड़ियाँ है जो कि बंदे खरीदना नहीं चाहते। अबे जितने में भी खरीद रहे सबको बेच दे, कुछ तो मिलेगा उनसे, कुछ नई गाड़ियाँ खरीदने के, बेच दे सब कुछ। हाँ ठीक है सर, मैं बेच देता हूँ जैसा आप कहोगे। हाँ 2 दिन में एक भी गाड़ियाँ दिखनी नहीं चाहिए मेरे को, सब बेच दे। तो गाइस जरा आप देख सकते हो गाइस, हमारे पास काफी अच्छी अच्छी तगड़ी तगड़ी गाड़ियां है भाई। ऑडी R8 है, ये पता नहीं कौन सी गाड़ियां है भाई, मैसेरेटी है। और हाँ गाइस, एक गाड़ी हमने दी है बेनी के पास मॉडिफिकेशन करने के लिए, और वो गाड़ी पता नहीं कैसी होगी। ऑलराइट गाइस, तो गाइस यार 3 दिन बीत चुके। तो गाइस यार, आपको तो पता ही होगा कि हमने 2 गाड़ियां दी थी बेनी के पास, और हम वही चेकआउट करने के लिए आए हैं बेनी के गैराज पर। और बेनी को मैंने पहले ही फोन करके पूछ लिया था कि गाड़ी का काम हो गया है नहीं, और उसने बोला गाड़ी एकदम रेडी हो चुकी है। अरे फ्रैंकलिन आ जाओ, ये देखो तुम्हारी तगड़ी गाड़ी। अरे बेनी भाई, ये तो कुछ ज्यादा ही तगड़ी है। ओ भाई साहब, अबे ये क्या निकल रहा है इसके ऊपर इंजन का? अरे फ्रैंकलिन, बॉडी डॉज चैलेंजर की है और इंजन डॉज चार्जर का। अरे वाह यार, क्या ही तो मिक्स कर दिया तुमने। ओ भाई साहब, गाइस यार कमेंट कर देना इस गाड़ी के लिए। तो फ्रैंकलिन यार, थोड़े पैसे दे दो और ले जाओ। तो ठीक है बेनी भाई, गाड़ी लेकर जा रहा हूँ मैं अपने शोरूम। ओ भाई साहब, गाइस क्या ही तो क्रेजी गाड़ी बनाई है भाई। वैसे गाइस, इस गाड़ी की कीमत क्या हो सकती है गाइस, मेरे को मैं जरूर बताना। तो गाइस यार, इस गाड़ी से हम काफी ज्यादा पैसे कमा सकते हैं इसको, गाड़ी को बेच कर। तो गाइस यार, पहले इसे बाहर निकाल कर इसकी टेस्ट ड्राइव लेते हो। ओ भाई साहब, गाइस क्या ही तो क्रेजी साउंड। ओ भाई साहब यार, ये गाड़ी की लुक तो देखो गाइस, दिन में तो क्या ही तगड़ी लगती है। और इसका जो इंजन है गाइस, बाहर निकला हुआ है। ओ भाई साहब, और गाइस इंजन में भी काफी तगड़ी पावर है गाइस, बर्नआउट भी देख सकते हो आप। ओ भाई साहब, क्या ही तो पिकअप है इस गाड़ी का।
तो अभी हम आराम से लेके जाते हैं हमारी डॉज चैलेंजर को विद डॉज चार्जर इंजन। वैसे भी गाइज ये डॉज कंपनी के, तो गाइज इसे डॉज चैलेंजर कहना आसानी होगा। लेकिन एक सेकंड गाइज, मेरे को एक चीज चेक करना है, एक सेकंड। ये ओ भाई साहब, गाइज देख सकते हो आप, मैं गाड़ी को हवा में उड़ा सकता हूँ भाई साहब। तो गाइज यार ये मैंने बहुत बार चेक किया है, क्योंकि मैं गाड़ी को एक और बार करती है। ये ओ भाई साहब, ये हुई ना बात। तो चलो गाइज आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल वाले आइकन को भी प्रेस कर दो। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।